तो दोस्तों आज मैं बनाने वाली हूँ मिर्ची अदरक लहसुन की अचार। तो अभी मैं धूप में सुखा रही हूँ, ये देखो अभी धूप है और अभी धूप में सुखा रही हूँ। इसके बाद बनाऊंगी मैं इसका अचार। तो आप लोग ब्लॉग में जुड़े रहो और एंजॉय करो मेरे साथ। तो चलो ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी आज टाइम हो रहा है, शाम के 4 बज रहा है और मैं आज सुबह से मतलब जगी हूँ, जब से 1 मिनट के भी चैन नहीं मिला है। ये देखो मेरा हाथ। तो आज क्यों नहीं मुझे टाइम मिला 1 मिनट के लिए आराम करने के लिए, क्योंकि आज से आर्यन की क्लास भी है। तो आर्यन स्कूल गया और फिर उसके बाद जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो कितना काम बढ़ जाता है, आप लोगों को तो पता ही है। 10 दिन से छुट्टी था, घर में था, तो आज गया स्कूल वो। तो उसको स्कूल जाने के बाद फिर मैं अपना लग गई काम में, क्योंकि मुझे अचार लगाना था। पापा लेकर आए थे आंवला, मिर्ची, ये हल्दी, कच्चा हल्दी, तो सबका अचार लगाना है। तो आज मैं वही सब कर रही हूँ, तो आपको मैं दिखाती हूँ। और ये ब्लॉग आ जाएगा आज रात में 8 बजे तक आ जाएगा ब्लॉग। तो आप लोग देखना और ढेर सारा प्यार देना, जैसे आप दे रहे हो वैसे और भी प्यार दो और भी सपोर्ट करो। तो चलो मैं अपना दिखाती हूँ अचार में कैसे लगा रही हूँ। और जो प्रॉपर ब्लॉग अचार का होता है ना, तो वो शाम को 4 बजे आ जाएगा, सॉरी शाम को 5 बजे आ जाएगा अचार वाला ब्लॉग। तो अचार का रेसिपी 5 बजे आ जाएगा। और अभी ये देखो पूरा फैला हुआ है किचन, ये देखो पूरा किचन फैला हुआ है मेरा। तो अभी इसको धूप में रखी थी मैं, तो अभी धूप में से लेकर आई और अभी इसका अचार लगाऊंगी मैं, आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखो, तो ये है आंवला, मिर्ची, ये देखो ये है आंवला, मिर्ची, लहसुन, अदरक, ये 4 चीज़ें इसमें, और इसका अचार लगाऊंगी मैं अभी। तो आप लोग को मैं दिखाती। और अभी मतलब आज बहुत एकदम थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला। वो नारियल था, छठ पूजा के नारियल अभी तक था, तो वो मैं गई नीचे तोड़वा कर लेकर आई नारियल। तो अभी जैसे तोड़वा के मतलब उसका छिलका निकलवा के लाई, क्योंकि अभी तो औजार है नहीं हम लोग के पास। गांव में तो रहता है दाब गड़ा से, तो उससे हम लोग निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ है नहीं। तो सब निकलवा के मैं लाई नीचे से और इधर रखी हूँ। ये देखो, ये देखो, तो ये नारियल ये फूटा नहीं है, वो पानी गिरा था वहाँ तो इसीलिए गीला हो गया है। तो ये नारियल अभी मैं तोड़ूंगी और इसका भी कुछ बनाऊंगी मैं। और एक और है नारियल, दिखाती हूँ मैं, ये देखो। तो दो नारियल है और चलो अपना काम कर लेती हूँ। अभी 4 बज गया है तो चाय भी बनानी है, तो पहले अचार बना लेती हूँ। तो अचार की पूरी तैयारी कर दी हूँ मैं, बस अचार बनानी है। तो चलो मैं बना लेती हूँ। फिर अभी आर्यन को भी लेने जाना है 5 बजे। एकदम मतलब आज थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला। अरे बाप रे, अभी थोड़ा टाइम मिला। अभी मुरब्बा रख के आई हूँ, मुरब्बा बना रही हूँ, अचार बना दी, अब हल्दी के अचार लगानी है। तो चलो अभी थोड़ा, अभी मुरब्बा पक रहा है, सोची थोड़ा चाय पी लूँ। तो ये कॉफ़ी बनाई अपने लिए, तो कॉफ़ी पी लेती हूँ। उसके बाद फिर अभी जाना है आर्यन को लेने, देखो टाइम हो गया है तभी जाना है। चलो जल्दी से पी लेती हूँ, 15 मिनट टाइम है, तब तक पी लेती हूँ, उसके बाद फिर जाऊँगी लाने। तो अभी आर्यन को लेकर आ गई और अभी हूँ मैं किचन में और अभी बना रही हूँ मैं सब्जी, मिक्स सब्जी है। और इधर है मटर के
पराठा, मटर के पराठा बना रही हूँ। तो इसमें अभी मैं डाली मसाला भूज के, लहसुन और ये क्या बोलते हैं सूखा मसाला, तो सब डाल दी। और चलो बना लेती हूँ मैं, ग्रेवी बन गई, अब सब्जी डाल दी। तो आप लोग ब्लॉग को देखो और इन्जॉय करो, मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो चलो बना लेती हूँ झटपट से मैं सब्जी और पराठा। तो चलो दोस्तों ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।